Next question. Question says, a string is stretched between fixed points separated by 75 centimeter. It is observed to have resonant frequencies of 420 and 420 hertz and 315 hertz. There are no resonant frequencies between these two. सवाल है लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी. हमारे ऑप्शन है 10.5 या 105 या फिर 155 या फिर 205 हर्ट्स. बहुत ही सिंपल सवाल है. ये बात अपने को पता है कि अगर आपकी एक रस्सी है विच इज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड, इसको हम ऐसे कह लेते हैं, या आपने रस्सी को फिक्स्ड एट बोथ एंड किया हुआ है और इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर. इसके अंदर अपने को 315 और 420 हर्ट्स, ये दो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिली है विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर. तो अपने को बात पता है कि जब फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है तो इसमें जो आपकी एफ एन आएगी वैल्यू वो होगी एन टाइम्स वी डिवाइडेड बाय 2L. तो अगर ये आपकी एफ एन है या एफ एन प्लस वन है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन, उसको आप लिख सकते हैं एन प्लस वन वी डिवाइड बाय 2L माइनस एन वी डिवाइडेड बाय 2L. इन दोनों को जब माइनस करेंगे एन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगी वी बाय 2L और यही आपका डिफरेंस है, यही आपकी रेजोनेंट, यही आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है. तो इसका मतलब ये हो गया इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही अपना आंसर होएगा. सो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको आप एफ वन कह सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 420 माइनस 315, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 105 हर्ट्ज़. राइट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 105 हर्ट्ज़ वुड बी द राइट आंसर.